खबर दतिया से है जहां मतदान में बवाल का मामला सामने आया है। बरौली पहुंचे जिला प्रशासन के अधिकारी, बता दें कि मतदान केंद्र पर दोबारा वोटिंग की जाएगी और 48 घंटे के अंदर बरौदी में फिर मतदान होगा और मतदान पेटी को पहुंचाया गया था नुकसान। बता दें कि मतदान पेटी को लूटकर उसके अंदर पानी भरा गया था, जिसके बाद ये सख्त कार्रवाई नजर आई है। 48 घंटे बाद दोबारा से मतदान होगा। बता दें कि मतदान पेटी को नुकसान पहुंचाया गया था, जिसके चलते ये बड़ा फैसला लिया गया है। खबर दतिया से है जहां मतदान में बवाल के मामले में बरौदी पहुंचे जिला प्रशासन के अधिकारी, मतदान केंद्र पर दोबारा वोटिंग होगी। बता दें 48 घंटे के अंदर बरौदी में फिर से मतदान करवाया जाएगा। मतदान पेटी को नुकसान पहुंचाया गया था, मतदान पेटी को लूटा गया था, जिसमें उसके बाद पानी भर दिया गया, लेकिन इस पूरे हादसे के बाद ये बड़ा फैसला सामने आया कि 48 घंटे के अंदर अंदर दोबारा से मतदान जो है करवाए जाएंगे। मेरे सहयोगी दतिया से रवि मेरे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रवि, वहां मत पेटी लूटी गई थी, बड़ा मामला सामने आया, उसमें पानी भर दिया गया, एक तरह से नुकसान हुआ, 48 घंटे के अंदर दोबारा से मतदान करवाने का फैसला लिया गया है, क्या कुछ अपडेट इस खबर को लेकर? जी देखिए, मैं आपको यहाँ बता दूं कि बरौदी राजपुर पंचायत जो बड़ौनी थाने में आती है, उसमें जो मतपेटी लूटी गई उस एवज में अब यह फैसला लिया गया है कि 48 घंटे के अंदर अब चुनाव दोबारा से यहाँ कराए जाएंगे, क्योंकि मतपेटियाँ पूरी तरह से खराब हो चुकी है, मतपत्री पानी में पूरी तरह से गल गए हैं। अब तो लेकर मतदान के रुका हुआ मतदान है, वो रुक चुका था पूरी तरह। अब जो कि यहाँ के चुनाव आपके प्रभारी हैं, उन्होंने पूरा फैसला ले लिया है, कलेक्टर ने फैसला लिया कि यहाँ पे अब फिर से चुनाव कराएंगे 48 घंटे के अंदर, यानी कहीं ना कहीं अब मतदान फिर से यहाँ होगा। और जो जो अवरोध यहाँ पैदा हुआ उसको लेकर भी प्रशासन काफी सख्त है और उसकी जांच में पुलिस भी यहाँ पे मुस्तैद है और उसकी जांच भी कर रही है कि कौन से वो असज्ञ तत्व थे जो उन्होंने यह बवाल यहाँ पैदा किया है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रवि हमें तमाम जानकारी देने।